इमरान खान आज एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इससे पहले तस्वीरें आपको असेंबली की दिखा रहे थे, जिसके बाद अब पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान को आज इमरान खान एक बार फिर से संबोधित करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी उनका संबोधन बेहद खास रहा था, अब आगे क्या कहते हैं इमरान खान देखना बेहद खास होगा। और फोन लाइन पर न्यूज डायरेक्टर हमारे साथ में जुड़ गए हैं एस एन द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आज का दिन इमरान खान के लिए बेहद खास माना जा रहा है और कुछ मिनट अब आने वाले बेहद खास होंगे इमरान खान के लिए, क्योंकि कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पर? बिल्कुल अमनदीप, देखिए आज का जो दिन है वो पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जहां पर 5 साल पूरे करना किसी भी सरकार के लिए बड़ा बहुत टेढ़ी खीर होता है। और जो इमरान खान है, मैं बताऊं, इमरान खान चूंकि खड़े रहे हैं तो आखिरी गेंद तक वो खेलने की कोशिश करते हैं, आखिरी गेंद तक वो सोचते हैं कि मैं शायद जीत जाऊं, तो खिलाड़ी का एक जज्बा है उनके अंदर, तो इसीलिए शायद वो आखिरी मौके तक, ये जानते हुए कि उनका जीतना बड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान असेंबली में उनकी हार निश्चित है, क्योंकि जो विपक्षी सांसद है उनकी संख्या 176 हो गई, जबकि 172 चाहिए होते हैं, 176 हो चुकी है, तो उनकी हार तय है। उसके बाद भी वो आखिरी गेंद तक खेलना चाहते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले खबर आई कि पाकिस्तान को आज एक बार फिर से इमरान खान संसद में आने से पहले संबोधित करने जा रहे हैं, तो ये शायद एक तरीका उनका हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपील की है, अभी उन्होंने कल भी अपील की थी लोगों से सड़क पर उतरने की, और जिस तरह उन्होंने कहा था विदेशी शक्तियां उनको हटाना चाहती है, वो एक सहानुभूति कार्ड अपना खेलना चाहते हैं कि विदेशी शक्तियां शायद उनको हटाना चाहती है, तो पाकिस्तान की जो जनता है वो उनके समर्थन में सड़क पर उतरे, और किसी तरह से जो उनके खिलाफ राजनीति ये चल रही है उसके खिलाफ आदमी जो सड़क उतरने की उन्होंने अपील भी की थी। लेकिन ये बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम इसमें पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जबकि अब तक इमरान खान को संसद में आ जाना चाहिए था लेकिन संसद में अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और फिर वो खबर आई है कि वो शायद जनता को संबोधित करेंगे, तो जनता को संबोधित करने में एक बार ये माना जा रहा है कि शायद कोई डील हुई हो, क्योंकि बीच में खबरें आई थी कि शायद अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो हो सकता है कि वो अपनी जो आखिरी जो स्पीच है, आखिरी जनता के नाम जो संबोधन है, उसमें खुद ही इस्तीफा दे दें, और शायद उनकी जो गिरफ्तारी वाली बात है वो टल जाए, क्योंकि तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं इमरान खान के ऊपर जिनको लेके काफी नाराजगी है। तो अभी तक ये सोचा जा रहा है कि जो आखिरी संबोधन होगा उनका, ये जो अभी संबोधित करने जा रहे हैं जनता को थोड़ी देर बाद, उसमें शायद वो खुद इस्तीफा देने की पेशकश कर सकते हैं। अमन, बिल्कुल द्विवेदी जी, बिल्कुल कुछ ही देर बाद स्थिति काफी ज्यादा स्पष्ट होगी, लगातार जनतंत्र टीवी भी इस पर नजर बनाए हुए है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।